बाद बंगाल के चुनावी घमासान। आज नंदीग्राम की लड़ाई आखिरकार नॉमिनेशन ऑब्जेक्शन पर क्यों आई? झारग्राम और बांकुड़ा की रैलियों में अमित शाह के निशाने पर कौन? क्या बंग युद्ध में दीदी की व्हीलचेयर का इमोशनल असर होगा? बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 बंग युद्ध में आते नंदीग्राम में ममता के नॉमिनेशन पर शुभेंदु अधिकारी ने ऑब्जेक्शन फाइल किया है और ममता बनर्जी का नामांकन रद्द करने की मांग की है। शुभेंदु ने कहा है कि ममता ने उनके खिलाफ दर्ज 6 मामलों की जानकारी छिपाई है जिस पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। झारग्राम में रैली से तुरंत पहले अमित शाह के हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, इस वजह से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुष्टिकरण, मारपीट और गुंडागर्दी ने बंगाल के विकास को तहस नहस कर दिया है। झारग्राम की रैली में अमित शाह ने ममता सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 115 से ज्यादा योजनाएं मोदी सरकार ने बंगाल तक पहुंचाई, लेकिन ममता सरकार का रोड़ा होने की वजह से सुविधाएं बंगाल के लोगों तक नहीं मिल पाई। आज गृह मंत्री अमित शाह ने बांकुड़ा की रैली में कहा कि बंगाल की जनता को लगा था कि कम्युनिस्टों का शासन खत्म होने पर राहत मिलेगी, लेकिन टीएमसी तो उससे भी आगे निकल गई। बंगाल में भ्रष्टाचार उफान पर है, ममता राज में अब कटमनी देनी पड़ती है। बांकुड़ा की रैली में अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी ने आदिवासियों का हक मारा है, अब तो गरीब आदिवासियों को भी सर्टिफिकेट के लिए 100 रुपए देने पड़ते हैं। ऐसे में बीजेपी की सरकार आई तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, अधिकारी खुद सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। झारग्राम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि टीएमसी की अराजकता जारी है, आर्टिफिशियल जाम लगाकर अमित शाह की झारग्राम रैली में बसों को आने से रोका गया। पुरुलिया के झालदा में सीएम ममता बनर्जी ने आज व्हीलचेयर पर बैठकर चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को पूरे शरीर में चोट लगी थी, किसी तरह बच गई। ममता बनर्जी ने कहा कि इस बार सरकार आएगी तो सबको फ्री राशन मिलेगा। झालदा की रैली में ममता बनर्जी ने विरोधियों पर तीखे वार किए। उन्होंने कहा कि जितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप मेरी आवाज बंद नहीं कर पाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि उन पर होने वाले हमलों का जवाब जनता एकजुट होकर देगी। बंगाल इलेक्शन में टीएमसी को एक और झटका लगा है। दक्षिण 24 परगना के रायदीघी विधानसभा सीट से लगातार 2 बार विधायक रही देवश्री राय ने टीएमसी से नाता तोड़ लिया है। जानी मानी एक्ट्रेस देवश्री राय ने कहा कि अब टीएमसी से उनका कोई संबंध नहीं है। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।